पीछे। गुड मॉर्निंग टू ऑल, ये क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने 9 तारीख को आपको बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव टीचर, एक प्रभावी शिक्षक के क्या विशेषताएं होती हैं, जिसकी चर्चा हमने किया था। एक प्रभावी शिक्षक कैसे होते हैं, किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करते हैं, किस तरह बच्चों को लेकर आगे बढ़ते हैं, किस तरह बच्चों में अच्छी बातें कूट कूट कर भरते हैं, और किस तरह बच्चों के जीवन को हमेशा आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया था कि एक प्रभावी शिक्षक समय के पाबंदी होते हैं, एक प्रभावी शिक्षक बच्चों को अच्छे गुण सिखाते हैं, अपने विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करते हैं, एक प्रभावी शिक्षक दैनिक जीवन में उपस्थित घटनाओं से जूझने की शक्ति रखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे बोर्ड पर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रभावी शिक्षक बच्चों को ईमानदार होना सिखाते हैं। प्रभावी शिक्षक हमेशा बताते हैं कि ईमानदार होना चाहिए। प्रभावी शिक्षक बताते हैं कि विद्यार्थियों के मानसिक स्तर तक उतरकर पढ़ाते हैं। एक प्रभावी शिक्षक को बच्चों के मानसिक स्तर तक उतरकर पढ़ाना चाहिए। टीचर ज़्यादा पढ़े हैं इस बात की मायने नहीं रखता है, टीचर बच्चों को कितना समझा पाते हैं और टीचर के बातों को बच्चे कितना एडॉप्ट कर पाते हैं, यही मेन मुद्दा है। तो एक प्रभावी शिक्षक को विद्यार्थियों के मानसिक स्तर तक उतरकर पढ़ाना चाहिए। एक प्रभावी शिक्षक को नई तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए, जैसे आजकल नई तकनीकी है लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, नेट, ई क्लास, ये सारे विधि से प्रभावी शिक्षक को पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जीवन में उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने का गुण सिखाना चाहिए। प्रभावी शिक्षक को जीवन में उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने का गुण सिखाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास सिखाना चाहिए। कैसे हम राष्ट्रीय स्तर पर विकसित हो सकते हैं, कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित हो सकते हैं, इसका ज्ञान विद्यार्थियों में भरना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, दिव्यांगों के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी में करीब 3-4% दिव्यांग व्यक्ति भी रहते हैं, दिव्यांग छात्र भी रहते हैं। तो एक प्रभावी शिक्षक को दिव्यांगों के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रभावी शिक्षक प्राप्त ज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। जो विद्यार्थियों को ज्ञान देते हैं उनको दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। हमेशा आगे बढ़ने की सोच होनी चाहिए। एक प्रभावी शिक्षक विद्यार्थियों में हमेशा आगे बढ़ने की सोच देते हैं और देश के संकट से जूझने का गुण होना चाहिए। यह सबसे बर्निंग पॉइंट है कि देश में, जैसे अभी देश में कोरोना का संकट है, पूरे विश्व स्तर पर कोरोना वायरस का संकट है, तो एक प्रभावी शिक्षक को अपने विद्यार्थियों में देश और विदेश और अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उत्पन्न कोई महामारी, कोई संकट से जूझने का गुण देना चाहिए, तभी वह देश आगे बढ़ सकता है। इस तरह हम कहें कि ये तो सिर्फ 15 पॉइंट है, लेकिन हम बताते हैं कि आप ए से जेड तक आप प्रभावी शिक्षक के गुण लिख सकते हैं। मान लीजिए ए से एबिलिटी, बी से बोल्ड, डी से सी से, डी से ई से, इस तरह एफ से, इस तरह जी से, सारे गुण से करके हम जेड तक प्रभावी शिक्षक के गुण लिख सकते हैं। अगर एक लेटर से हम दो दो प्रभावी शिक्षक के गुण लिख सकते हैं तो हमारे 26 लेटर हैं, हमारे पास 52 प्रभावी शिक्षक के गुण हो जाएंगे। ए से जेड तक हम एक लेटर से अगर दो दो प्रभावी शिक्षक के गुण लिख सकते हैं तो ए से जेड तक 26 हमारे लेटर्स हैं, तो 26×52 प्रभावी शिक्षक के गुण को हम लिख सकते हैं। धन्यवाद।